तूफान ग्यास को लेकर पीएम मोदी की एनडीएमए के अधिकारियों के साथ बैठक। बंगाल ओडिशा में एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात। सेना नौसेना कोस्ट गार्ड की टीम अलर्ट पर। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में बढ़ा ग्यास तूफान का खतरा। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और अंडमान के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट। 26 मई को आ सकता है तूफान। ग्यास तूफान को लेकर पूरी तरह से सतर्क है प्रशासन। पश्चिम बंगाल के पठार प्रतिमा में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। सी लाइन के किनारे तटबंध टूटने की पहचान करने के लिए ड्रोन से निगरानी। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा सहित अन्य एंट्रेंस एग्जाम पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,40,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 3,741 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा टेस्टिंग। 21,23,000 से अधिक लोगों की टेस्टिंग की गई। देश में तेजी से बढ़ रहा है रिकवरी रेट। पिछले 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। 22 मई तक के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 21,80,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई। कांग्रेस का केंद्र पर निशाना। कहा वैक्सीन की किल्लत की मुख्य वजह निर्यात और बीजेपी का कुप्रबंधन। शिवसेना बोली वैक्सीन की कमी के बावजूद केंद्र ने मनाया टीका उत्सव। देश में वैक्सीनेशन को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र ने निजी और सरकारी दफ्तरों में वैक्सीनेशन को मंजूरी दी। अब निजी कंपनियां अस्पताल के जरिए सीधे निर्माता से वैक्सीन खरीद सकेंगी। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला। अब वर्क प्लेस पर कर्मचारियों के परिजनों को भी लगाया जा सकेगा टीका। सभी राज्यों को पत्र लिखा। बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा बच्चों को संक्रमण से बचाना है। बच्चे भी फैला सकते हैं संक्रमण। उत्तराखंड सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। उत्तराखंड में मिले ब्लैक फंगस के 65 मरीज। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए और बड़ा लॉकडाउन। 31 मई की सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। केजरीवाल ने कहा केस कम होते रहे तो 31 मई से अनलॉक करेंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के संक्रमण गिरावट। 24 घंटे में कोरोना के 1600 नए केस सामने आए। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के चलते 18 प्लस के लोगों के लिए टीकाकरण रुका। ये तस्वीरें आरकेपुरम सेक्टर 4 के वैक्सीनेशन सेंटर की है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अब तक ब्लैक फंगस के 21 मामले। 21 मामलों में से 13 लोग कोरोना पॉजिटिव। बुधवार रात तक दिल्ली में ब्लैक फंगस के कुल 197 मामले। दिल्ली में आज गुलाब का फूल बांट रही है पुलिस। फूल देकर लोगों से मास्क पहनने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली की तिहाड़ जेल में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने अब तक 101 बार किया रक्तदान। कोरोना काल में 3 बार ब्लड डोनेट कर कई लोगों की जिंदगी बचाई। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 26,133 नए मामले। इस दौरान 682 मरीजों की मौत हुई। 24 घंटे में 40,294 मरीज स्वस्थ हुए। मुंबई में कोरोना केसों में भारी गिरावट। 24 घंटे के अंदर 1,283 नए केस। 52 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में आज किसी भी केंद्र पर नहीं हो रहा है टीकाकरण। बीएमसी ने ट्वीट करके जानकारी दी। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में गिरावट। प्रदेश में आए 6,103 नए पॉजिटिव केस। कोरोना से 115 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले। अब तक प्रदेश में 700 से ज्यादा केस। महज 2 दिनों में हुए 45 ऑपरेशन। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर की आहट। दौसा में 20 दिन में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित। डूंगरपुर में 300 से ज्यादा बच्चे पॉजिटिव। कोरोना कंट्रोल को लेकर एक्शन में सीएम योगी। झांसी में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठक की। बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 4,800 कोविड के नए मामले सामने आए। एक दिन में रिकॉर्ड 3,17,000 टेस्ट हुए। यूपी में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा।
यूपी में 18 साल से अधिक उम्र वालों की वैक्सीनेशन में आएगी तेजी, सभी जिला मुख्यालयों पर होगा टीकाकरण। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की पहचान के लिए शासन ने जारी किया निर्देश, सभी अस्पतालों में चलेगी नेत्र रोग और ईएनटी की ओपीडी, सीएमओ सीएमएस को दिए निर्देश। गाजियाबाद में ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस का मामला सामने आया, 8 मरीजों में व्हाइट फंगस की हुई पुष्टि, सभी पहले से संक्रमित डायबिटिक मरीज हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3844 नए मरीज सामने आए हैं, पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.8% हुआ, 24 घंटे में 9327 मरीज ठीक हुए,